So guys, क्या आपका भी PNB में अकाउंट है, यानी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है? क्या आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं? क्या आपको PNB में कोई प्रॉब्लम है? आप PNB कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप PNB से कैसे बात कर सकते हैं। और ये कांटेक्ट नाम से हम सीरीज चला रहे हैं, कांटेक्ट अस नाम से, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आप उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको जो वीडियोस है वो आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप PNB बैंक से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने ATM को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, आप अपना बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आपको कॉल करके दिखाएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस वहां पर आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे PNB का एक ऐप है माई पासबुक, उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर पहले से वीडियोस एक चैनल पर बन रखी है और हम कोशिश करेंगे कि हम भी बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक विद विशाल। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपको अकाउंट से संबंधित को कुछ हेल्प चाहिए, कोई सेवा चाहिए, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 1800 180 2222। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, 1800 180 2222। और आपका जो नंबर है वो आपके बैंक में रजिस्टर होना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको एक वीडियो बनाकर बताएंगे, और वो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, है ना। आई थिंक ऑनलाइन नहीं कर सकते, मैं रिसर्च करूँगा इस पर फिर आपको बताऊँगा। तो अकाउंट से संबंधित, ठीक है, ATM से संबंधित आपको जो भी चीज़ें चाहिए हो, मतलब जो भी जानकारी चाहिए हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिससे मैंने अभी किया है, मैंने पहले से इनको कॉल कर रखा है, तो मैं नंबर मिलाऊंगा नहीं, सीधा कॉल करूंगा, है ना, और आपको सारे ऑप्शन सुनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम कॉल करते हैं और सारे ऑप्शन को एक एक करके सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कॉल करते हैं। फोन में चलेंगे, देखिए पहले से मेरे पास नंबर सेव होता है ना, आपके पास भी सेव हो जाएगा अपने अभी पंजाब नेशनल बैंक, है ना। एंड बैलेंस वाला मैं आपको नहीं करूँगा क्योंकि उसमें मैसेज आता है, एंड मैं मैसेज आपको नहीं दिखा सकता, है ना। बैलेंस वाला मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए पंजाब नेशनल बैंक को कॉल करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाएं, बेस्ट फॉर इंग्लिश, बांग्ला दोनों तीन, पंजाबी लाइन 4 दबाओ, ओडिया पाएं 5 दबाओ, ओडिया चलिए, असमियार बाबे 6 दबाओ। सब लैंग्वेज चेंज करनी है, गुजराती माते अपने खाते के फ्रॉड या अनाधिकृत लेन देन को रिपोर्ट करने के लिए अथवा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एवं UPI को ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते से संबंधित वर्तमान राशि की जानकारी के लिए 1 दबाएं। खाते से संबंधित सेवाओं की जानकारी के लिए 2 दबाएं। कार्ड से संबंधित सेवाओं की जानकारी के लिए 3 दबाएं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, PNB One और बैंक उत्पादों और सेवाओं की जानकारी के लिए 4 दबाएं। ठीक है, हम 1 दबाते हैं। अपने खाते की वर्तमान राशि को जानने के लिए 1 दबाएं। अपने खाते के पिछले 3 से 5 लेन देन को जानने के लिए 2 दबाएं। तो यहाँ पे 1 दबाते हैं। अपने खाते की वर्तमान राशि को जानने के लिए 1 दबाएं। अपने खाते के पिछले 3 से 5 लेन देन को जानने के लिए, यदि आप पंजीकृत मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं 1 दबाएं। अगर आपके पास ATM कार्ड नंबर और पिन नंबर है 2 दबाएं। 2 दबा सकते हैं, है ना। खाते
खाता संख्या दर्ज करें। तो यहाँ पे खाता संख्या दर्ज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम नहीं दर्ज करेंगे, है ना? Six options. Stop recording. Button. Windows 100. End. Window phone. लेकिन आप इस नंबर पे फिर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है? यानी इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपको जानना है, आपको अपना एटीएम ब्लॉक कराना है, यूपीआई ब्लॉक करानी है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये एकदम टोल-फ्री नंबर है, आप इनके कस्टमर केयर से बात करके भी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं। तो अभी ये नंबर क्योंकि बिजी लाइन होती है तो इसलिए दोबारा से लग नहीं रहा, मना कर रहा है नोटिस रिक्स, पर ये नंबर है। ओके, एक बार दोबारा लगाता हूँ, देखते हैं एक बार। पंजाब नेशनल बैंक। अपने खाते के फ्रॉड या अनाधिकृत लेन देन को रिपोर्ट करने के लिए अथवा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एवं यूपीआई को ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते से संबंधित वर्तमान राशि की जानकारी के लिए 1 दबाएं। खाते से संबंधित सेवाओं की जानकारी के लिए 2 दबाएं। कार्ड से चेकबुक संबंधित सेवाओं के लिए 1 दबाएं। टीडीएस प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए 3 दबाएं। आईएफएससी कोड जानने के लिए 4 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। खाता संख्या दर्ज करें। तो गाइस बहुत जगह पर खाता संख्या मांगता है, तो आप जो है ना, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर से ले सकते हैं। मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी है ना। अब बात करते हैं बैलेंस की, कि अगर आपको एसएमएस के थ्रू बैलेंस जानना है तो कैसे आप जान सकते हैं, ठीक है? मैं बैलेंस यहाँ पे शो नहीं कराऊंगा क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ होता है ना। तो बैलेंस के लिए आपको नंबर डायल करना है 1800 180 2233, है ना? ये जो पहले नंबर था 1800 180 2222 था, और अभी 1800 180 2233, ठीक है? और ये जो आपको कॉल करनी है, आपका जो नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए पासबुक में, है ना, और बैंक में, ठीक है? तो इस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक को। आई थिंक इनको ट्विटर पे भी आप ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते होंगे, लेकिन वो सब मैंने नहीं बताया। अभी आप कॉलिंग के थ्रू ऑफलाइन इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? अगर आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करनी है तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें, उसके बाद 9 दबा दें, आपके बाद कस्टमर केयर से हो जाएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप जो है कर सकते हैं, ठीक है? आप यहां से यूपीआई सेट भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप ऑफलाइन ही कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जो लोग कीपैड फ़ोन चलाते हैं, है ना, और करना चाहते हैं बैलेंस चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आप अगर एंट्री कराने जाते हैं अपनी पासबुक पे तो वहाँ पे मशीन लगी होती है, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं आती है, है ना? तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए हमने ये चीज़ बताई, है ना? तो आज हमने जाना पीएनबी से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐसे आगे हम डिफरेंट जानेंगे, है ना, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, यूटी आईडी कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कौन लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।